हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग में अपना रन अप बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए, और सुबह के बज रहे हैं 11। पानी की बोतल वगैरह सब रख लीजिए साथ में, और बस स्पाइक्स को झोले में डालना है। ये बाइक की चाबी मैं पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि भूलूँ ना भाई, सबसे ज़्यादा यही भूलता हूँ। बैग में मेरे आप देख सकते हैं बहुत कम चीज़ें हैं, और ये स्पाइक्स सॉक्स इनको मैं इसमें डालूँगा ऐसे, और गले के बीच में फ़ोन फंसा के मैं रिस्क नहीं लेता भाई। बहुत महंगा फ़ोन है, इसको ऐसे साइड में रख दो, दिखना होगा दिख जाएगा, नहीं दिखना होगा कोई बात नहीं, एडजस्ट करो तुम थोड़ा, है ना, कि क्या कर रहा हूँ मैं। पानी की बोतल, एक्स्ट्रा टी शर्ट, बस बॉलिंग बैग रेडी अपना। कितना सिंपल है ना, जब मानो बॉलर बन जाओ, जब मानो बैटिंग कर लो जाके। अरे यार, ये झोला जिसमें टी शर्ट रखनी थी वो मिल नहीं रहा था, लेकिन ये बैग के नीचे ही था, तो उसको वापस हम कर लेते हैं, वरना स्मेल करता है बहुत गंदा है। और क्या पता इसी सेम टी शर्ट में मैं वापस भी आ जाऊँ, अगर सारी हदें पार कर दी मैंने बेशर्मी की। चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है, बाकी ग्राउंड पहुँच के आपको मिलता हूँ। केडी पहुँच गए हम, और यहाँ तो ग्राउंड पे ट्रायल चल रहा है अंडर 14 का, अंदर शायद आज मैच चल रहा है, कोई कमेंट्री वमेंट्री बाहर से सुनाई दे रही है। और आज चाहे जो, आज प्रैक्टिस करके जाएंगे, आज स्किप नहीं करेंगे। चलो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, उधर ही से आओ। अगर हो भी रहा होगा मैच तो हम तो किनारे करेंगे, साइड स्क्रीन पे तो करेंगे नहीं कुछ। अबे यार, टेंट वेंट लगा है, बड़ी सेरेमनी है क्या? चलो देखते हैं अंदर। इधर लग रहा है कोई स्कूली बच्चों का फंक्शन है, टेंट वगैरह लगे हैं, मार्च वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो शायद ये, जो भी। अच्छा, खेल कूद समारोह कमेंट्री में अभी सुनाई दिया मेरे को। चलो भाई, ये अपने को तो जगह चाहिए, जगह खाली है, और प्रैक्टिस होपफुली आज अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा एम है प्रैक्टिस का, मेरा कोशिश यही रहेगी कि नॉन बॉलिंग आर्म और रन अप में फंसना नहीं है, डबल हॉप नहीं करना है, और एक फ्लो में भाग के बॉल फेंकनी है। ये कुछ मतलब टाइम से पहले फोकस नहीं कर पा रहा था, बट इस पर ट्राई करूँगा कि अच्छा हो। बाकी सेटअप करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या कैसे। अभी भाई अपना एक डिस्कस थ्रोअर की प्रैक्टिस कर रहा था, तो इनके भी जोश सवार है, इन्होंने ये फेंका अपना। अभी मेरी बारी है, मैं ट्राई करूँगा फेंक के, देखूँगा कितना गया है क्या है। चलो अभी मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ बहती गंगा में, क्या पता क्रिकेट में ना कुछ डिस्कस थ्रोइंग में ही हो जाए, थ्रोइंग स्पोर्ट तो ये भी है वैसे। चलो ट्राई करते हैं। ऊपर फेंकना है ना, वार्म अप वगैरह फिनिश हो गया है, और ये सेटअप हो गया अपना, ये कोन लगे अपने, ये विकेट है, यहाँ से जंप लेनी है, और ये रन अप के कोन। तो अभी अप्रोच ऐसी रहेगी कि एक ओवर नॉर्मल, एक ओवर हैवी बॉल, ऐसा करके हम चार ओवर फेंकेंगे, और देखते हैं फिर कैसा क्या अपडेट रहता है। तीन ओवर फेंके आज, दो ओवर हैवी बॉल से, एक ओवर नॉर्मल बॉल से, और
अभी जा रहे घर। तीन ओवर इसीलिए फेंके क्योंकि बॉलिंग रिदम में बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू इंजर्ड होना। रिदम के लिए तीन ओवर बहुत है आई थिंक, और डेली बॉल कर ही रहा हूँ मैं दो दो तीन तीन ओवर, तो ज़्यादा बॉल डालने से भी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन बॉलिंग टच में बने रहने से इंजरी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो जितने भी बड़े बॉलर हैं उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि अगर इंजरी से बचना है बॉलिंग रिलेटेड तो बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी उस हिसाब से बॉडी अडाप्ट करती है, सारे जो आपके मसल्स हैं बॉलिंग अडाप्टेड हो जाते हैं तो फिर बॉलिंग में इंजरी नहीं होती है। तो सेशन आज का यहीं ओवर करते हैं, सारा सामान वगैरह कलेक्ट हो गया है और इस टी शर्ट को चेंज करने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे सीधा घर। रास्ते में कोई जज नहीं करेगा और इतनी कुछ भीगी है भी नहीं, तो तुम लोग जज करना चाहो तो कर लो, बट आई डोंट केयर। जाके अब जुल्फे कटानी है, बहुत दिनों से टॉन्ट मिल रहा है घर पे कि बाल कटा लो, तो इसको देखता हूँ और जाके नहा भी लूँगा सीधे, तो ये बेस्ट रहेगा। चलो मिलता हूँ घर पे आपसे या फिर बार शॉप पर। दिस इज माई फर्स्ट ऑफिशियल मील ऑफ द डे, अराउंड 22 होल एग्स एंड आई एम गोना फिनिश इट एंड आफ्टर दैट आई विल ड्रिंक और ईट अराउंड हाफ लीटर ऑफ कर्ड और मे बी मोर। सो लेट्स फिनिश इट एंड देन सी व्हाट आई विल ईट और व्हाट आई हैव टू डू, एज आई जस्ट इग्नोर्ड माय मदर्स टॉन्ट अबाउट माय हेयर स्टाइल, बट अभी जाऊंगा यार ये सब फिनिश करके फिर मैं जाऊंगा एंड आई हैव टू वॉश ऑफ माई हेयर्स ऑल्सो। तो चलो इसको फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। गुड इवनिंग। तो अभी हम उठे हैं सो के और ग्राउंड हमने कर दिया दूसरी टाइम शाम का स्किप, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो गई थी और पोस्ट बॉलिंग स्ट्रेचिंग भी नहीं करी, तो उसके बाद भाई साहब ऐसी नींद आई, खाना खा के नींद क्या आई, सोया सिर्फ एक घंटा, बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखना, कॉपी मेंटेन करना। यस आई एम एस्पायरिंग ट्रेडर आल्सो, सो ये सारी चीज़ें भी करी। तो अभी फ्री हुआ तो फ्रेंड को कॉल किया, वो अभी जिम पहुंच गया है बिना बताए। ट्रेनिंग पार्टनर ऐसे ही हैं हमारे, आपके अगर अच्छे हैं तो प्लीज़ उनको संभाल के रखिए, बहुत जल्द धोखा देते हैं ट्रेनिंग पार्टनर। जिम बैग रेडी कर लिया हमने, ये फुसफुस मार लेते हैं क्योंकि जिम में थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि हाँ ना धो के आए, ना आए तो मैं खैर सुबह से नहीं हूँ, अभी ना जिम से लौट के ना आऊँगा ज़रूर आई एम श्योर। आगे चलते हैं जिम, दिखाता हूँ आपको वर्कआउट आज का क्या रहेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं लेग स्ट्रेन करूँगा बिकॉज टुमारो आई हैव टू डू बैटिंग, आई एम नॉट गोना बॉल टू टुमारो। तो चलो जिम चलता हूँ फिर दिखाता हूँ अपना वर्कआउट आज का आपको। फिनिश एंड बाल कटाने का बिल्कुल मूड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है नहाऊंगा कि नहीं नहाऊंगा कि मुंह धुल के सो जाऊंगा। बाल कटा लिया अभी तो नहाना पड़ेगा और जुकाम सही नहीं हुआ है और मैं बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस टाइम में, तो बेहतर यही होगा कि घर जाके गाली सुन लूँ दो, वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि बाल कटा के नहाऊँ। ऊपर से हवा भी चल रही है, हालांकि मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता बट ऑन गोइंग जो सेशंस हैं मेरे वो इससे अफेक्ट होंगे एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई प्रैक्टिस सेशन विद ऑल दिस सिकनेस। तो चलो घर चलता हूँ, मील प्रिपरेशन दिखाता हूँ फिर
एडिट करता हूँ वीडियो, वर्कआउट तो एवरेज था आज का। ये भाई सेकंड मील ऑफ द डे, सेकंड यस, क्योंकि फर्स्ट मील वाज एग्स एंड कर्ड एंड दिस इज द सेकंड मील। अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ पनीर विच इज़ मेड अप ऑफ, दूध फट गया था तो उसका पनीर बना दिया गया, तो आई एम गोना ईट दिस विद सॉल्ट। एंड उसके बाद लास्ट मील आई थिंक इट वुड बी होल एग्स और समथिंग, और उसके बाद आई विल एडिट दिस वीडियो एंड यू गाइस विल बी एबल टू वॉच इट। थैंक यू सो मच।